लेफ्ट में, ऑन ऑफ ऑन, यानी कि इन्वर्टर को हम बहुत दूर रख के भी यहां से ट्रिगर कर सकते हैं। देखिए ऑन कर दिया, अभी देखेंगे लाइन पर नेट पर आ गया है, थोड़ी देर में ऑफ हो जाएगा, देखेंगे। ओके दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने कहा था, आप लोग का कमेंट था कि हमें इन्वर्टर बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट करके चलाना है, ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते कि इन्वर्टर हमारी बैटरी को 10.5 वोल्ट तक डिस्चार्ज करे या 11 वोल्ट तक डिस्चार्ज करे। हम चाहते हैं कि इन्वर्टर बैटरी को केवल 11 वोल्ट तक ही डिस्चार्ज करे, ठीक है। जब बैटरी वोल्टेज 11 आ जाए, 11 वोल्ट आ जाए, तो इन्वर्टर ऑफ हो जाए। कैसे करेंगे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप सबको पता है ये एक इन्वर्टर है, ठीक है, जिसको मैंने कनेक्ट कर रखा है किसी भी बैटरी से, मान लीजिए मैंने उस वाली से कनेक्ट कर रखा है, और कार बैटरी से कनेक्ट है, कार बैटरी से ही सोलर चार्ज कंट्रोलर कनेक्ट है। क्योंकि हमें क्या करना है, इन्वर्टर को इसके थ्रू कनेक्शन करना है, इसके डॉट पॉइंट के थ्रू। मगर हम इन्वर्टर, आपको पता है कि 10-20 एम्पियर भी दे लेता है, ज्यादा से ज्यादा डॉट के लिए 25 एम्पियर भी, तो हम इससे लोड नहीं दे सकते, लेकिन हम इससे ट्रिगर कर सकते हैं इन्वर्टर को। कैसे समझेंगे, देखिए 200 वाट का बल्ब कनेक्ट है इन्वर्टर से। अब इन्वर्टर को आप सभी जानते हैं, यहाँ बटन होता है, इससे ऑन करते हैं, इन्वर्टर चल जाता है। देखेंगे इन्वर्टर चल गया, ग्रीन लाइट, ठीक है, 200 वाट का लोड चल रहा है, ठीक है, 400 वाट का भी चला सकते हैं, बड़ी बैटरी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चाहते हैं कि यह लोड हम सोलर चार्ज कंट्रोलर से ट्रिगर करें, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जो ये ऑन ऑफ स्विच है इन्वर्टर का, ठीक, मैं अंदर से दिखाता हूं आप लोग को, ठीक है दोस्तों। इन्वर्टर अंदर से ऐसा है और खुद का बनाया हुआ है। यहां पर ये जो स्विच है, ठीक है, इसके जो दो वायर हैं, ये देख सकते हैं, दो ही वायर होते हैं स्विच के ऑन ऑफ करने के। इन दोनों वायर को हमें रिले के इस तरीके से कनेक्ट करना है। देखिए बीच वाली पिन पे एक वायर कनेक्ट करना है, कोई सा भी, कोई प्लस माइनस का कोई इशू नहीं है, और पतले से पतला वायर लगा सकते हैं, डोरी वायर लगाया है मैंने, देख सकते हैं आप डोरी वाला वायर, और बीच वाली पिन पे लगाएंगे एक वायर रिले की, और दूसरा वायर ऊपर लेफ्ट वाली पिन पे लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, राइट वाली पिन खाली रहेगी। ये स्विच का कनेक्शन हो गया। अब रिले को ऑन करने वाला जो टर्मिनल होते हैं, वो ये पहला वाला और एक ये लास्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड पर कौन से कनेक्शन होंगे, ये वाले, जो कि सोलर चार्ज कंट्रोलर के लोड से जाएगा, यानी कि जब हम बटन दबाएंगे इसका लोड का, तो हमारी रिले ऑन हो जाएगी, और रिले हमारी इससे जुड़ी है स्विच से, तो यानी कि कुल मिला के रिले का ऑन होने का मतलब इस स्विच का ऑन होना है, और इस स्विच का ऑन होने इसका मतलब इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस चीज को तो एडिट कर ही सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं कि कितने वोल्ट पर आके इन्वर्टर हमारा कट हो जाए। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ताकि ये चीज जल्दी से क्लियर हो। मैंने लोड ऑफ की वोल्टेज 11.8 पर सेट कर दी है, जैसी मेरी बैटरी 11.8 वोल्ट पर आएगी, मेरा इन्वर्टर बंद हो जाएगा, ठीक है, इन्वर्टर बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं इन्वर्टर बैटरी से कनेक्ट है, मगर जो इन्वर्टर को ट्रिगर करने वाला स्विच है, जो कि रिले के थ्रू आउटपुट से आ रहा है, वायर पतला लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कम एम्पियर जाते हैं रिले में, बहुत ही कम, ठीक है, आप समझेंगे। देखिए ऑन कर दिया, अभी देखेंगे 11.8 पर आ गया है, अब थोड़ी देर में ऑफ हो जाएगा, देखेंगे, ठीक है, और यहां पर ये देख सकते हैं इसने ऑफ कर दिया। हम चाहें तो इन्वर्टर को यहीं से चला सकते हैं, इसे ऑफ कर सकते हैं, देखिए ये देख सकते हैं आप, यहां पर देखिएगा लेफ्ट में, ऑन ऑफ ऑन, यानी कि इन्वर्टर को हम बहुत दूर रख के भी यहां से ट्रिगर कर सकते हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर से, ठीक है। ये वीडियो है, और मैंने तो इसमें आपको जल्दी से बताने के लिए, क्योंकि बैटरी जल्दी से डाउन, मतलब इतनी डाउन नहीं होगी, 11.8 पर ही ला सकता था, इसलिए मैंने सेटिंग करा। आप चाहे तो इसको 10.5, 11 जितना वोल्ट चाहे उतना
मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। हमें बस इतना करना है, इन्वर्टर तो बैटरी से ही कनेक्ट रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव यानी उसके वायर, मगर जो इसका स्विच है सामने वाला, इसको रिले से कनेक्ट करेंगे। स्विच का एक वायर बीच वाले पिन पे और एक पहली पिन पे लगा देंगे, और रिले को ऑन करने के वायर यानी कि पहला और थर्ड वाला वायर, ये सोलर चार्ज कंट्रोलर से जाएगा। ना ही प्लस माइनस का झंझट इसमें है, इसमें कोई सा वायर किधर भी लगा सकते हैं, स्विच का कोई प्लस माइनस नहीं है, और रिले में भी कोई प्लस माइनस नहीं है, ठीक है। चाहे ये इधर लगा सकते हैं, प्लस माइनस का कोई भी इशू नहीं है। और इन्वर्टर हमारा दूर से ट्रिगर हो जाएगा और जितने भी चाहेंगे उतने वोल्ट पर कट हो जाएगा। अगर आपको पावर इन्वर्टर से कनेक्ट करना है तो आपको बस इन्वर्टर का ये वाला स्विच ढूंढना होगा, या कन्वर्टर बॉक्स है तो कन्वर्टर बॉक्स का ये वाला स्विच ढूंढ लीजिए, उसके पीछे से वायर निकाल लीजिए ऐसे, और बस इतना करना है और आपका इन्वर्टर दूर से ही आप ट्रिगर करा सकते हैं। और इस तरीके से पूरी वीडियो है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो ऐसी उम्मीद करते हैं, ठीक है। चैनल से बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू।